जलंधर लोग सभा जिमनी चोन की सियासी जंग काफ़ी रोचक होंगी दिखाई दे रही है। कहने भावें मुकाबला आम आदमी पार्टी कांग्रेस अकाली दल और भाजपा के विचकार हो रहा है, पर उम्मीदवारों देख के इंज लगता है कि जिमें यह मुकाबला अकाली दल और कांग्रेस के विचकार ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा तो दूजिया पार्टिया के विचों आके शामिल होए उम्मीदवार के सहारे चोन लड़ रही ने, जबकि कांग्रेस और अकाली दल के कोल ही अपने पक्के उम्मीदवार ने। जलंधर की जिमनी चोन नूं लैके भावें कई तरह दीआं चर्चावां ने जोर फड़िया होया, पर जित दा पता नतीजे तो बाद ही चलेगा। देखो एक खास रिपोर्ट। जलंधर जिमनी चोन जितने वाला उम्मीदवार भावें कुछ महीनों के लिए ही एम पी बन सकेगा, पर फिर भी इस चोन नूं जितन दे लई पंजाब दीआं सारीआं सियासी पार्टियां ने अड्डी चोटी का जोर लगाया होया, क्योंकि 2024 दीआं लोक सभा चोणां तो पहला इस चोन जरिए हर पार्टी अपना दम दिखाना चाहती है। मौजूदा समय इस जिमनी चोन नूं जितन दी इह चुनावी जंग काफ़ी रोचक हो गई है। दरअसल इस चोन दे विच कांग्रेस अते अकाली दल दे कोल ही अपने पक्के उम्मीदवार ने, जबकि आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार सुशील रिंकू कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए सी, अते भाजपा उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल अकाली दल छड्ड के भाजपा दे विच शामिल होए सी। यानी कि आम आदमी पार्टी अते भाजपा ने जलंधर दे विच अपने किसी नेता दे उत्ते भरोसा नहीं जताया, जबकि कांग्रेस ने जलंधर सीट तो मरहूम सांसद संतोख चौधरी की पत्नी करमजीत कौर नूं टिकट दिती है। अकाली दल ने बंगा तो विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुखी नूं चोण मैदान दे विच उतारिया होया। आम आदमी पार्टी ने जलंधर दे विच अपने किसी नेता नूं टिकट नहीं दिती, बल्कि अचानक सुशील रिंकू नूं पार्टी दे विच शामिल कर लिया, जिसनूं आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार शीतल अंगुराल ने ही हराया सी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छड्ड के आए सुशील रिंकू नूं इसलिए टिकट दिती है तां जो कांग्रेस दे वोट बैंक नूं सन लगाई जा सके। असल दे विच पार्टी वल्लों शहरी खेतर दे विच सुशील रिंकू अते शीतल अंगुराल दे केडर नूं इकजुट करन दी कोशिश कीती गई है, क्योंकि इस दे नाल दोवां दा वोट बैंक आप दे खाते दे विच आएगा अते जलंधर वैस्ट विधान सभा खेतर तो ही आम आदमी पार्टी नूं वड्डा बेनीफिट मिल सकदा है। रिंकू दे अचानक आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो जाण दे नाल इस हलके तो कांग्रेस दे कोल कोई दिग्गज चेहरा नहीं रहा, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिमनी चोन वाला दा लाण दे नाल नाल अपनी विधानसभा सीट अगली वार दे लई भी पक्की कर लई है। जेकर भाजपा की गल करिए भाजपा वालों इंदर इकबाल सिंह अटवाल नूं उम्मीदवार बनाने के पिछे पंजाब दे विच सियासी कामयाबी की कोशिश करन वल एक वड्डा कदम है। जलंधर सीट दे शहरी विधानसभा खेतरां दे विच तां भाजपा दा वोट बैंक है, पर पेंडू अते कस्बियां दे विच भाजपा कमजोर है, इसलिए उसने अटवाल दे उत्ते इह दाग खेडिया, क्योंकि इंदर इकबाल सिंह अटवाल दे पिता चरणजीत सिंह अटवाल इत्थों चोण लड़ चुके ने, जिन्हां दा इत्थे चंगा आधार है। 2019 दे विच इत्थों संतोख सिंह चौधरी चोण जिते सी, पर दूजे नंबर दे उत्ते रहन वाले चरणजीत सिंह अटवाल महज कुछ फीसदी वोटां तो ही पिछे रह गए सन, ज़्यादा फर्क नहीं सी, हालांकि उस समय अटवाल अकाली दल दे उम्मीदवार सन। दरअसल जलंधर लोक सभा जिमनी चोन दे विच जित हासिल करना सारियां पार्टियां दे लई इज्जत दा सवाल बनिया होया, क्योंकि सारियां पार्टियां इस चोन नूं साल 2024 दीआं आम चोणां दा सैमीफाइनल मन के चल रही ने। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी संगरूर जिमनी चोन हारन तो बाद हुण जलंधर तो भी हारना नहीं चाहती, क्योंकि यह उन्होंने लिए ना सिर्फ 2024 के लिए झटका होएगा, बल्कि सूबे दे विच सरकार दे काम काज नूं लैके सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह कांग्रेस इस चोन जरिए पिछलियां चोणां दे विच गवाया आधार वापस पाना चाहती है, जबकि भाजपा अपनी दमदार हाजिरी दिखाना चाहती है अते अकाली दल खेतरी पार्टी दे तौर दे उत्ते अपने दबदबे नूं मुड़ तो हासिल करना चाहती है, पर जनता जनार्दन किस पार्टी दे सिर ताज सजाएगी यह तां चोण नतीजियां तो बाद ही पता चलेगा। सो तुहाडा इस चोण बारे की कहना है, सानूं कमेंट जरिए अपनी राय जरूर सांझी करना। होर जानकारी अते ताज़ा अपडेट्स दे लई देखते रहो हमदर्द टीवी।